जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग एक बार पुनः बात करेंगे आज की राशिफल पर, उसके साथ साथ अन्य चार उपायों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। आज का पंचांग है अंग्रेजी तारीख 16 जुलाई 2017, विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है श्रावण का और तिथि है कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रविवार का दिन है। तो रवि सप्तमी जिस दिन पड़ती है उसको भानु सप्तमी कहते हैं। नक्षत्र है रेवती, योग है अतिगंड और करण है बव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के राशिफल की और उसके साथ साथ हम लोग उपाय भी जानते हुए रोज की तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों को अपने खोए हुए आत्मविश्वास को दोबारा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए ताकि आप अपनी भावी योजनाओं में सफल हो सके। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। किसी की निंदा मत करिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 7 और शुभ रंग बनता है बैगनी। अब बारी वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको आर्थिक पक्ष पर ध्यान देना होगा और आपको अपने किसी व्यक्ति पर अगर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया है तो यकीन मानिए कि आपका भरोसा बिल्कुल ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की क्षति ये आदमी नहीं देगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। अपने उत्साह और आत्मविश्वास में किसी भी तरीके से कमी मत आने दीजिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 4 और शुभ रंग बनता है खाकी। अब मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन है मित्रों के बारे में सही सोच रखने का। आज आप कहीं बाहर घूमना चाहते हैं तो दोस्तों के साथ प्लान बना लेना अच्छा रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। गरीब व्यक्ति का आप अनादर न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 9 और शुभ रंग बनता है काला। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले उपाय के बारे में। जिस प्रकार से हम लोग लगातार रामचरितमानस की कुछ सिद्ध दोहों के बारे में बात करते आ रहे हैं तो उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे मोक्ष प्राप्ति के लिए रामचरितमानस के एक चमत्कारी दोहे के बारे में। ये दोहा है, सत्य संध छाणे सरलच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। इस दोहे के बारे में कहते हैं कि जिस व्यक्ति की मोक्ष प्राप्ति की कामना हो उसको इस व्यक्ति का इस दोहे का जाप करते रहना चाहिए। तो ये तो बात रही आज के पहले उपाय की। अब हम लोग चर्चा कर लेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि की। कर्क राशि, यदि आप किसी समस्या में उलझ गए हैं तो चिंता करने से बेहतर है कि आप उसका हल ढूंढें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ब्रह्मा विद्युत माय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन का व्यय मत करिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 1 और शुभ रंग बनता है नीला। अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए गृहस्थी की आवश्यक वस्तु खरीदने हेतु आज का दिन बहुत अच्छा है। काफ़ी समय से परिवार जो मांग कर रहा था उसे आज आप पूरा कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए शुभ होगा। समय व्यर्थ न गंवाएं। आपके लिए शुभ अंक बनता है 3 और शुभ रंग बनता है सफ़ेद। अब बारी कन्या राशि की।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए शायद आपको किसी चिंता अथवा मानसिक तनाव ने घेर रखा है, तभी आपका मन आज कहीं नहीं लगेगा। तो ऐसे में जो भी चिंता है उसका कोई ना कोई समाधान जरूर करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। ज़्यादा उत्सुकता किसी भी काम के लिए ठीक नहीं होती है। आपके लिए शुभ अंक बन रहा है 8 और शुभ रंग बन रहा है गुलाबी। अब हम लोग बात कर लेंगे आज के दूसरे उपाय के बारे में। आज का दूसरा उपाय है संतान प्राप्ति का। विवाह के पश्चात संतान न होने पर गुरुवार को पति दाएं हाथ में तर्जनी उंगली में यानी पहली उंगली में 5 रत्ती का पुखराज पहने और पत्नी बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में सुनहला रत्न धारण करे, जो पुखराज का उपरत्न होता है 6.25 रत्ती का, तो इससे संतान प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। तो ये था आज का दूसरा उपाय। अब हम लोग बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तो सबसे पहले तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दबाने का, आपका शोषण करने का प्रयास कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए। आज के लिए आपके लिए जो मंत्र बनता है वो है ओम बुद्धि प्रियाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको फायदा मिलेगा। निवेश के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। आपके लिए शुभ अंक बनता है 2 और शुभ रंग बनता है हरा। अब बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी धार्मिक सामाजिक नेक कार्य को करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। धन से जुड़े कोई भी निर्णय आज बड़े न लें। आज जितना हो सके पैसों के लेन देन से आप दूर रहें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापुर फलाशक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। खराब स्वास्थ्य को आप नज़रअंदाज न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 5 और शुभ रंग बनता है पीला। अब बारी धनुराशि की। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज एक समय में एक ही काम करना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जरा सी भी लापरवाही आपको लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कठिनाइयां आ सकती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। कार्य की रुकावट से आप तनावग्रस्त न हो। शुभ अंक बनता है 6 और शुभ रंग बनता है लाल। मित्रों, आज का तीसरा उपाय बहुत सरल और बहुत चमत्कारी है। इसका प्रभाव बहुत दिव्य होता है। ये मैंने खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का बड़ा से बड़ा वास्तु दोष हो और आपके घर में कोई देसी गाय हो या घर के आसपास किसी के पास देसी गाय हो, तो उसका थोड़ा सा गोमूत्र आपको लेकर के आना चाहिए। किसी भी मिट्टी के पात्र में या किसी भी पात्र में आप ला सकते हैं। अगर नित्य प्रति आप गोमूत्र का छिड़काव अपने घर में करते हैं तो किसी भी प्रकार का वास्तु दोष और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा फिर उस स्थान पर जहां पर गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है वो नहीं रह जाती। ये बहुत चमत्कारी प्रयोग है। तो अब हम लोगों ने आज का तीसरा उपाय भी जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में और उसके बाद अंतिम में चर्चा होगी आज के महा उपाय की। तो अब मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन रिस्क लेने का दिन नहीं है। काम के साथ साथ परिवार को भी समय देने की कोशिश करें, नहीं तो दूरियां बढ़ती जाएंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए। कार्य में अवरोध से मन को निराश न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 8 और शुभ रंग बनता है केसरिया। अब बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए हो सकता है नए काम का प्रयास आपको आज काफी आगे तक ले जाए, आपको बड़ी सफलता दिलाए। फिजूल की बहस में न पड़े, नहीं तो आप अपने जरूरी कामों से वंचित रह जाएंगे और उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। किसी के बारे में कोई धारणा आप न बनाए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 7 और शुभ रंग बनता है नारंगी। अब बारी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने आसपास बड़े बुजुर्गों से जितना भी आप सीख सकते हैं सीख लेना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अगर आप अच्छा लाभ और परिणाम चाहते हैं तो आपको अपनी टीम के आवश्यकता पड़ेगी। एक टीम वर्क करेंगे तो आप ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। ओम पाशांकुश धराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। रुपए पैसे के लेन देन में आज आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 1 और शुभ रंग बनता है
भूरा। तो मित्रों, हम लोगों ने आज के एपिसोड में अभी तक जानकारी कर ली आज के पंचांग की, आज की 12 राशियों की, और उसके साथ साथ बात हो गई आज के 3 अन्य उपाय की। अब हम लोग चर्चा करेंगे आज के महा उपाय के बारे में। और आप दर्शकों की तरफ से हमें बहुत सारे रिस्पॉन्स मिले, ईमेल, व्हाट्सएप, यूट्यूब वीडियो कमेंट्स के माध्यम से, फ़ोन कॉल, SMS के माध्यम से, कि अगर कोई हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है तो हम अपने आप को कैसे बचाएं। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप दूसरों के तंत्र मंत्र से खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। तांत्रिक प्रयोगों तथा जादू टोने से खुद को बचाने के लिए कुछ भी विशेष पूजा पाठ या तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ी सी सावधानी रख करके हम दूसरों द्वारा किए गए तांत्रिक प्रयोगों तथा जादू टोने से खुद को बचा पाते हैं। आपको इसके लिए कुछ भी विशेष पाठ पूजा की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जो बता रहा हूँ इन बातों का आप ध्यान रखिए। रास्ते में आते जाते समय सुनसान रास्ते में चौराहे पर या कहीं किसी निर्जन स्थान पर फूल, माला, पूरा या आधा कटा हुआ नींबू, साबुत लाल या हरी मिर्च, सिंदूर लगे हुए लड्डू, दीपक इत्यादि रखा हुआ दिखाई दे तो यथासंभव उनसे बच कर के निकल जाना चाहिए। इससे आप पर किसी अन्य बाधा का असर नहीं हो पाता है। घर के बाहर सफ़ेद आंकड़े का, जिसे मदार कहते हैं, उसी को आग का पौधा बोलते हैं, आंकड़े का पौधा, घर के बाहर सफ़ेद आंकड़े का पौधा लगाइए। जिस भी घर के बाहर सफ़ेद आंकड़े का पौधा होता है वहाँ पर किसी भी तरीके के तांत्रिक प्रयोग का असर भी नहीं होता और न ही उस घर पर, उस घर के सदस्यों पर भूत, प्रेत, पिशाच आदि की कोई बाधा होती है। तो ये तो बात रही खुद को तांत्रिक प्रयोगों से बचाने की। अगर आप परिवार में किसी को या खास तौर पर छोटे बच्चे को कोई नज़र लग जाए तो क्या करना चाहिए। नज़र लगना बहुत बुरा होता है, इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य गिरने लगता है, उसका खान पीना छूट जाता है और वो अंदर ही अंदर परेशान होने लगता है। ऐसे में चौराहे की मिट्टी ला करके उसमें नमक राई तथा 7 साबुत खड़ी मिर्च यानी लाल मिर्च मिला करके शनिवार और रविवार को सूर्यास्त के समय उस व्यक्ति या छोटे बच्चे बालक के ऊपर से घुमा करके चूल्हे में डाल करके जला देनी चाहिए। चूल्हा उपलब्ध ना हो तो किसी पात्र में कंडे पर आप आग जला लीजिए और उसमें डाल दीजिए। ऐसा करने से जो भी नज़र होगी, बुरी बला होगी, वो तुरंत उतर जाएगी। जिस व्यक्ति को नज़र लग गई हो उसके चारों ओर फिटकरी का टुकड़ा घुमा करके चूल्हे में डाल देने से भी नज़र उतर जाती है। ये उपाय 3 दिन लगातार करना चाहिए, शनिवार या रविवार से आरंभ करके, तो तंत्र मंत्र की कोई भी बाधा होती है वो कट जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे बहुत सार्थक उपाय आपके जीवन में निश्चित ही चमत्कार और करामात दिखा रहे होंगे। आप सभी से आग्रह करता हूँ, बार बार आग्रह करता हूँ कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना और इसी वादे के साथ कि आपका जीवन सुखमय भी रहे, और कल फिर हमारी यही मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभववत। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।